तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी और ये सब्जी है एकदम हटके। और ये जिनको भी करेले पसंद नहीं है, इस तरह की सब्जी अगर आप बनाएंगे तो उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इनको बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं करेले, यहाँ पर हमने आधे किलो करेले ले लिए हैं, अच्छे से हमने साफ़ करके इस तरह से रखे हुए हैं। और अब हम इनके पीस काटेंगे छोटे छोटे। तो इस तरह से देख सकते हैं, हमने इस तरह से पीस में काट लिए हैं करेले। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी डालकर और इन सबको अच्छे से मिलाकर इसको हम रख देंगे। इससे सारा कड़वापन निकल जाएगा करेले के अंदर का। तो ढककर इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे और ये आधे घंटे बाद हम इसमें पानी डालकर इसको साफ कर लेंगे। तो हाथों से इस तरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के सारे करेले इस तरह से हम साफ कर लेंगे और उनका पानी चेंज करते जाएंगे। फिर से धोएंगे। तो इस तरह से हमें ये दो से तीन बार इसको धो लेना है। इसके अंदर जो भी हमने नमक और हल्दी डाली थी उससे करेले के अंदर का कड़वापन निकल जाता है, तो वो सभी बाहर निकल जाएगा पानी के साथ। बस इस तरह से आप साफ कर लें, अच्छे से निचोड़ के फिर हम इसको रखेंगे। इसके अंदर का सारा पानी निकाल देंगे अच्छे से निचोड़ के। इस तरह से आप छल्ली में रखें जिससे जो भी है एक्स्ट्रा पानी आपका ये नीचे निकल जाएगा। ये साफ करके रख दिए हमने करेले। और इसके लिए ले लिए हमने यहाँ पर चार आलू लिए हैं और इनके भी हम लंबे लंबे पीस काटेंगे। जिस तरह से हमने करेले काटे थे उसी की शेप में हमें आलू काट लेने हैं। और ये ले लिए हमने दो बड़े प्याज, इसको भी हम चीकर इसको भी हम काट लेंगे। तो ये देख सकते हैं तीनों चीज हमने तैयार करके रखी हुई है। और यहाँ पर गैस हमने स्टार्ट कर दी है और गैस पर रख दी हमने कढ़ाई। और अब हम इसमें तेल डालेंगे। और यहाँ पर जो हमने आलू के चिप्स काट के रखे थे इनको हम फ्राई करेंगे। आलू के गल जाने तक इनको फ्राई करेंगे। और इनको निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह के करेले अगर आप बनाएंगे तो बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू की वजह से करेले के कड़वापन भी निकल जाता है और जो भी नहीं खाने वाले हैं वो भी बड़े खुश होकर इसको खाएंगे। तो सभी आलू हम इसी तरह से तल लेंगे। ये हमने तल के रख लिए हैं सारे। और ये तेल है, अगर आपको ज़्यादा तेल लगे तो आप निकाल लें। और इतने तेल में आप करेले डालकर इनको भूनेंगे। जब हमारे करेले आधे भुन जाएं, तो उस टाइम हम इसमें प्याज मिलाएंगे। जो हमने काट के रखी हुई थी प्याज, वो प्याज हम इसमें मिला लेंगे और इसको भी साथ में भुनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज और करेले हमारे अच्छे से गल चुके हैं, भुन चुके हैं। इसमें हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। और इसमें नमक डालेंगे, आधी चम्मच हमने नमक डाला है। और इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे और अमचूर पाउडर डालेंगे।
दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर जो हमने आलू तल के रखे थे, हमने आलू के चिप्स जो हमने बना के रखे थे, वो इसी में हम मिलाएंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाकर बस ये हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है दोस्तों। इस तरह से आप बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाएं, बच्चे इसको बड़े खुश होकर खाएंगे। तो ये रही हमारी करेले की एकदम नई सब्जी दोस्तों। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।